दोस्तों, अगर आप हैं मोटापे से परेशान, तौंद निकली हुई है, बहुत ज़्यादा वजन बढ़ रहा है, अगर वजन को कंट्रोल में करना चाहते हैं ना, तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है दोस्तों। बहुत ही कम खर्चे में, ये मानो कि ना के सामान, आप 5 रुपये में काफ़ी आप फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, 3 दिन में ही आप देखेंगे कि काफ़ी वजन कम हो जाएगा, जो तौंद है ना नीचे आपकी नज़र होती हुई आएगी, यानी कि आपकी चर्बी को पिघला देगा। ये जो नुस्खा मैं बताने वाला हूँ सर इस वीडियो में, तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, इस वीडियो को पूरा देखना है। यहाँ पे मैंने ताज़ा ताज़ा अमरूद की पत्तियाँ ली हैं, देख सकते हैं। जिन लोगों की बहुत ज़्यादा तौंद बढ़ी हुई है, तौंद से परेशान है, दौड़ा भागा नहीं जाता है, चाहे महिलाएं हैं वीडियो देख रही हैं, चाहे पुरुष हो, किसी की भी तौंद निकली है, बहुत ज़्यादा चर्बी बढ़ी है ना, उसको आप पिघला सकते हैं। ये जो नुस्खा है ना, अभी देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी का सीज़न है, गर्मी में क्या होता है, पेट गर्म रहता है, तो ये जो नुस्खा है ना, ये पेट को ठंडा भी रखेगा और आपकी तौंद को निकलने नहीं देगा, भूख को भी बरकरार रखेगा। ये बहुत ही गजब का, और ये मानो कि फ्री का ये नुस्खा है, केवल आपको लेमन का खर्चा लगेगा। ठीक है, और आपको क्या क्या करना है पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मैं काढ़ा तैयार करने वाला हूँ इस वीडियो में, पूरा वीडियो को देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है। यहाँ पर मैंने ताज़ा ताज़ा कोमल कोमल पत्तियाँ ली हैं, देख सकते हैं। और ये जो नुस्खा है ना, आपके पेट की कई तकलीफों को जड़ से ठीक कर देगा, जैसे कि कब्ज बनना, एसिडिटी बनना, पेट को ठंडा रखेगा, पेट की A to Z प्रॉब्लम को ये जड़ से ख़त्म कर देगा। तो इसके लिए देखिए क्या करना है, मैंने यहाँ पे ताज़ा ताज़ा पत्तियाँ ली हैं, तो ये कोमल कोमल वाली आपको अलग छांट लेना है, इसमें से देखिए इस तरह से जो ताज़ा ताज़ा है। तो वीडियो को कहीं से भी कट नहीं करना है, कोई भी पार्ट मिस कर देंगे, देखिए इस तरह से ताज़ा ताज़ा पत्तियां हम निकाल के अलग रख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ पत्तियां ली हैं, ये देख सकते हैं। अब इनको क्या करना है, एक बार वॉश कर लेना है इनको। देखिए मैंने इनको वॉश कर लिया है, अच्छे से धो लिया है। अब देखिए क्या करना है, इनको थोड़ा छोटा छोटा भाग कर लेना है, इनका तोड़ तोड़ करके। देखिए यहाँ पे मैंने लगभग 1 गिलास से थोड़ा सा फालतू पानी बॉईल करने के लिए डाल दिया है, इसमें हम पत्तियों को डालेंगे। अब इसको कम से कम 5 मिनट के लिए हमको पकाना है, यानी 1.5 गिलास पानी ले लेना है, फूकते फूकते उसको 1 गिलास छोड़ना है। इन पत्तियों का असर जब तक इसमें ना आ जाए पानी में, तो आपको इसको उतारना नहीं है, मतलब 1.5 गिलास में से 1 गिलास ही छोड़ना है, तभी समझो कि हमारे पत्तियों का जो असर है वो पानी के अंदर आएगा। तो इसको पकाते हैं 5 मिनट के लिए। देखिए हमारी जो पत्तियां हैं ना, अच्छे से पक चुकी हैं, देख सकते हैं। तो देखिए हमारी जो देखिए काढ़ा है ना, बन करके तैयार हो गया है। चाहे तो आप इसको चाय भी बोल सकते हैं, यानी कि अमरूद के पत्तों की चाय भी बोल सकते हैं, इसको काढ़ा भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से तैयार करना है। यहाँ पे देखिए लेमन है, मैंने लेमन लिया है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसकी कुछ बूंदें इसके अंदर, 5-7 बूंदें इसके अंदर डाल लेना है, ये स्वाद के लिए मैं बता रहा हूँ। आप चाहें तो इसके अंदर शहद भी डाल सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा गुनगुना कर लेना है, गर्म में शहद नहीं डालना है, ना ही आपको लेमन डालना है, हल्का गुनगुना करना है। ठीक है, और इसको आप पी सकते हैं सुबह सुबह, खाली पेट अगर ऐसा करेंगे ना, कसम से बता रहा हूँ 3 दिन में ही आप फ़र्क देख लेंगे। ये पेट की चर्बी को कम कर देगा, पिघला देगा, ये बहुत ही बेहतरीन और रामबाण तरीका है। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ऐसी टिप्स आपको आगे भी मिलने वाली हैं। तो इस तरह से आपको डेली खाली पेट सुबह सुबह पीना है ये काढ़ा। ठीक है, इससे आपके पेट की जो चर्बी है वो ख़त्म हो जाएगी और वजन कम होता हुआ नज़र आपको आएगा। बहुत ही बेहतरीन और कारगर ये नुस्खा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी और टिप्स में, तब तक के लिए नमस्कार।